तो भाई आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आपको पिछली वाले वीडियो में याद ही होगा कि हमें यहाँ पर जो है ना क्रीपर ने भगा भगा कर मारा था और छुप गए थे यहाँ पर आकर, क्योंकि क्रीपर हमें कोई चीज इकट्ठी करने नहीं दे रहा था। जहाँ भी जाए या क्रीपर और स्केल्डन जो थे ना हमारे पीछे ही पड़े हुए थे और भगा भगा कर उन्होंने हमारा दिमाग ही खराब कर डाला था। मगर आज तो हम जो है ना यहाँ पर से डायमंड को इकट्ठा कर कर ही जाएंगे, वैसे नहीं जाने वाले। और पिछली वाली वीडियो में, वैसे पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है ना यार, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर देख लेना। एक ही लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना यार जाकर। क्यों खड़े हो, मतलब बैठे हो, क्यों बैठे हो, देख लेना। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर गोल देखता हूँ कि कहीं पर मिल जाए। वैसे गोल नहीं, टाइम बट हमें तो चाहिए, और कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि कोई चीज काम की नहीं होती। और आयरन भी थोड़ा सा इकट्ठा तो कर जाएंगे, क्योंकि अपने कोई यहाँ पर फार्म नहीं खुले हुए हैं पीछे घर पे। वो अपना घर ने एक, मतलब एक ही कमरा है, वो भी खंडर जैसा है एकदम, किसी काम का नहीं है। मगर बाद में जो है ना वो थोड़ा कासल टाइप कुछ बनाएंगे बड़े वाला। यार एक तो ये पता नहीं गेम लैग क्यों कर रही है, और वहां पर आयरन खड़ा है यार, आयरन तो उठाना पड़ेगा ना। वैसे पीछे भी मैंने बहुत आयरन देखा था, एक जो पिछली वाली वीडियो में जो है ना क्रीपर हमारे पीछे पड़ा हुआ था और उससे भाग रहे थे, तो बहुत था वहां पे भी भाई, पर वहां पे ही पड़ा है यार। इकट्ठा भी नहीं करने दे रहे थे तो कैसे इकट्ठा करता, उन्होंने पीछे पड़े हुए थे और हम उसके सामने भागे हुए थे, स्पीड से भाग रहे थे। और कुछ को तो मार भी डाला था भाई, मारना जरूरी हो था, वरना वो या तो हमें मार डालते थे या तो फिर हम उनको मार रहे। चलो अभी मैं थोड़ा सा आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ, दो तीन स्टैक आयरन के लेकर ही जाएंगे, और थोड़ा सा गोल्ड लेकर जाएंगे, मतलब थोड़ा जितना मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा लेकर जाएंगे। यार एक तो पता नहीं ये गेम को क्या हो जाता है चलते चलते इसको, यार एक तो पता नहीं मैं कहीं बार बार वहीं पर तो नहीं घूम रहा जहां पर पहले था। देखने की तो बहुत बड़ी वाली केव लगती है लगर, मगर ये जो है ना बहुत ही छोटी वाली है यार। तो भाई गोल्ड मिल गया, भाई गोल्ड मिल गया। और अगर यहां पर कोई आ गया ना, खास करके वो क्रीपर जो है ना, उसने अपना पिछली बार तो भाई बहुत दिमाग खराब किया था, और बाद अभी यार ना ही मिले तो अच्छी बात है, मिल गया तो बहुत दिमाग खराब करेगा दोबारा से। मगर एक बात तो है ना, जितना भी दिमाग खराब करेगा, गोल्ड आयरन डायमंड सभी चीजें भाई लेकर ही जाएंगे। और हमें यहाँ पे और मिल चुका है, और इसके साथ ये रेडस्टोन भी खड़ा है, रेडस्टोन भी ले तो लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बस एक स्टाइक इकट्ठा कर कर जो है ना चले जाएंगे। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ऐसे एक तोड़ने से काफी ज्यादा मिल जाता है। अब मैं यहाँ कौन सी चीज फेंक दूं, चलो ये पंख जो है ना, मुर्गी के पंख ये फेंक देते हैं, किसी काम के नहीं है यार, बेकार चीजें अपने इन्वेंटरी में लेकर घूम रहे हैं यार, को काम की चीज होगी तो तब लेकर घूमेंगे ना। अबे इधर कुछ तो भी था क्या, लौट कर वापस वहीं पे आ गया। चलो कोई बात नहीं यार, लौट कर तो आता रहूंगा, एक तो अंधेरा इतना है कि कोई चीज दिख ही नहीं रही है, पर हाथ में टॉर्च तो की हुई है, कुछ तो देख ही जाता है इसे यार। एक तो जहां पर मैं जाता हूँ लौट कर दोबारा उसी जगह पे आ जाता हूँ, और अभी चलो यहाँ पर पीछे कोई सी चीज की आवाज आ रही थी भाई। चलो यहीं पर मैं इस बार आगे की तरफ ही चलता हूँ, इस बार पीछे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाएगा पीछे नहीं जाएंगे भाई। अरे यार क्या हो गया, वहां पर कुछ ज़ॉम्बी आ रहा है भाई, अपनी सॉल्ट निकाल लेते हैं और इसका सत्यानाश। अबे गेम थोड़ी सी लैग कर रही थी इसलिए, और मतलब मेरी तरफ आ गया था, वरना तो मैं इसको वहीं दूर दूर से ही इसका टपका डालता। यार ज़ॉम्बी इतना खतरनाक नहीं है, जो स्केल्डन है ना वो बहुत खतरनाक चीज है भाई।
यार समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊं। जहां भी जा रहा हूँ लौट कर दोबारा वहीं पर आ जाऊं। कुछ भूल भुलैया टाइप है यार ये पूरी की। ओए ओए भाई भाग दूर भाग। यहाँ पर छुप कर बैठ जाता हूँ। वो खाको खाको आवाजें तो आ रही है भाई। थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। कहाँ है? ये रहा नजर आ गया। अबे चलो चलो एक बार। अबे दोम्बी को मार दिया उसने। चलो एक तो गया एक तो गया। भैया शील्ड मतलब शील्ड होती है ना वो बना करानी चाहिए थे। चलो एक अभी और बच चुका है ये। मार डालेगा यार तेरे को। और कोई काम नहीं है यार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पिछली वीडियो बहुत दिमाग खराब किया था भाई। चलो काम हो गया अभी तो उसका तमाम। यार ये वही जगह है जहां पर से मैंने अभी अभी तोड़ा था। अब हम यहाँ पर 1 सेकेंड तक नहीं रुकने वाले। अब हम जाएंगे सीधा नीचे और खोद कर जाएंगे भाई। दो दो खोद कर जाएंगे क्योंकि कुछ अता पता होता नहीं। पहले मैं इधर उतरता हूँ फिर ये तोड़ूंगा और फिर इधर उतरूंगा और फिर ये वाले दो तोड़ूंगा और फिर अपनी टूट जाएगी भाई जो पिकेक्स है। यहाँ पर मैं ऐसे ही नीचे पहुंचता हूँ एक बार। और भाई यहाँ पे जो है ना मैं खोदता खोदता ये इसके नीचे आ चुका हूँ। और ये तो टूट नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ पर लगता है ना इस वर्ल्ड का जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है ना ये नहीं टूटता है। तो चलो यहीं पर थे साइड में खोदते खोदते जो है ना कहीं पर तो पहुंच ही जाएंगे भाई। अभी मैं साइड में खोदता जाऊंगा। और पहले मैं मोबाइल में करता था फिर तो मैं भाई ऐसे ही करता था। और मुझे रेड स्टोन तो वैसे बहुत ज्यादा ही मिल जाता था। रेड स्टोन तो अगर ढूंढना हो तो करना ही आना चाहिए भाई। ये जो है ना सबसे बढ़िया तरीका तो मतलब यही है दरिया एक। अगर रेड स्टोन ढूंढना है तो फिर तो यही है। वैसे डायमंड भी मिल जाते हैं मगर ज्यादा नहीं मिलते कम मिलते हैं। तो खोदना भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अपने पास इसीलिए जो है ना मैं पिकेक्स बहुत ज्यादा बना कर आया था क्योंकि मुझे पता था कि केव के अंदर जो है ना कुछ ज्यादा चीज नहीं मिलती तो हमें ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। और देखा अभी दोबारा मुझे मिल चुका है ये। तो चलो एक स्टैक जो है ना इसका तो मैं एक स्टैक यहीं पर से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हो गया भाई एक स्टैक। कहीं लगता है एक स्टैक अपना पास कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कितने। एक स्टैक अपने पास हो चुका है। तो अभी हमें आयरन की तो कोई मतलब आयरन नहीं है या क्या रेड स्टोन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें चाहिए डायमंड। क्योंकि डायमंड को हम लेकर जाएंगे। अभी सब लोगों ने एक आवाज सुनी होगी यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं ना तो एक अजीब सी यहाँ पर मतलब आवाज एक आ रही थी अजीब सी पता नहीं क्या थी। मुझे लग रहा था अगर ना बंदा किसी और बायोमे में पहुंच जाता है ना अरे बायोमे बोलता है क्या बला होती है वही। तो तभी ये जो है ना आवाज एक अजीब सी आवाज आती है। और ये 2 बार तो आई है। और सीढ़ी बनाते बनाते ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि नीचे कोई चीज तो मिलने का नाम नहीं ले रही थी और दिमाग खराब कर दिया था। अभी आगे आगे मैं यहाँ पर सीढ़ी बनाते बनाते ऊपर की तरफ जाऊंगा। और अगर कोई केव मिल जाएगी तो और अच्छी बात है नहीं तो नहीं मिलेगी भाई। एक तो भाई यहाँ पर मुझे इस बात का नहीं पता कि हमें जो है ना कितने कोऑर्डिनेट पे आयरन मिलता है और जो डायमंड वगैरह वगैरह चीजें जो होती है ना कितने कोऑर्डिनेट पे मिलती है। और पता नहीं यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट का है भी या फिर ऐसे ही कुछ बनाया। ओ भाई साहब डायमंड मिल चुका है। चलो धीरे धीरे से खोदता आ रहा था एक बार मिल तो गया अब। और ये कितने कोऑर्डिनेट पे मिला है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार। कोऑर्डिनेट किस बटन से चेक करता था बस सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलो यार F3 से करता है। कितने पर है चेक ब्लॉक है 298-22 या पता नहीं क्या चीज है कोई। यार यहाँ पर से एक तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि और भी हैं भाई और भी हैं। काम बन गया भाई अपना तो काम बन गया। ये सीड वगैरह जो है ना चीजें मतलब फेंक देता हूँ यार किसी काम की नहीं है अपने भाई। ये डायमंड को उठा नहीं रहा यार क्या हो चुका तुझे। अच्छी बात है अब अच्छी बात है ये तूने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बता रहा हूँ यार रियल में मिले हैं ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर मैंने कोई क्रिएटिव कर कर लगा दिया था यार। वैसे
जो लोग कंप्यूटर में खेलते हैं ना उनको पता होगा कि एक बार जो कंप्यूटर में अगर सर्वाइवर बंदा कर लेता है तो फिर वो सर्वाइवर ही रहेगी, और अगर बंदा कोई दूसरी कर लेता है ना मतलब क्रिएटिव वाली तो वो क्रिएटिव ही रहेगी, बाकी अगर चीट कोड हो गए तो वो मुझे नहीं पता कि कैसे हो जाती होगी सर्वाइवर यार, क्योंकि वैसे यार मजा भी नहीं आएगा ना अगर मतलब सर्वाइवर से क्रिएटिव, क्रिएटिव से सर्वाइवर में तो ऐसा करता रहेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग वाली गेम नहीं लगती बंदे को, और कोई भी गेम हो वैसे उसमें अगर चीट कोड लगा देते हैं तो यार मजा ही नहीं आता दोबारा खेलने का। अब मेरे पास GTA 5 पड़ी है वैसे, ऐसा तो इतनी ज्यादा मजेदार गेम थी यार मजा ही नहीं आता उसमें, अभी मोड डाल दिया तो मोड के साथ खेलने में एकदम मजा नहीं आता किसी काम की, लगता ही नहीं कि अब वही गेम है। वैसे 5 डायमंड तो भाई मिल चुके और यहाँ पर थोड़ा सा खोद कर देखेंगे ना भाई, क्या पता और भी मिल जाए। अबे टूट गया यार, चलो अच्छा हुआ जा, अपने पास जो है ना जगह खाली होती जा रही है, और अभी और मिलेंगे क्योंकि यहीं पर मैं आइट साइड में खोदूंगा, और वैसे मैं जो है ना हमेशा सीधे खोदता जाता था ऐसा नहीं कि अभी दोबारा सुना दोबारा एक आवाज़ आई थी, वही तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं भाई, पता नहीं क्या हो रखा है गेम के अंदर, और अभी दोबारा से मिल जाते तो एकदम मजे ही आ जाते भाई। वैसे अभी मिले हैं तो इतनी जल्दी लगता नहीं कि दोबारा मिलने वाले हैं। ओ भाई साहब ये कितने कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं कि यार डायमंड मिले जा रहे हैं और दोबारा से ज्यादा वाले हैं, भाई आप साहब भी एक बार जरूर चेक करना कि क्या बताओ इतने, मुझे तो पता ही नहीं था कि यार इतने कोऑर्डिनेट को लगता है सेव करना पड़ेगा, यार मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार ये। तो चलो भाई रिजोल्यूशन दोबारा से, भाई क्या हो गया यार, चलो ठीक है अब ठीक है यार, बंदे ने रिजोल्यूशन चेंज कर मारे थे गेम, जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरा था ना F11 से ये ले लेता था स्क्रीनशॉट, तो मैंने F11 को दबाया, और क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना जिस सॉफ्टवेयर से उसमें मैंने यही रखा है कि F11 जैसे ही दबाऊँ वो स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लिया और उसने रिजोल्यूशन मतलब चेंज कर डाला थे, और एक बार वीडियो रुक भाई साहब मैं बता नहीं सकता यार, अगर फेक वीडियो लग रही है ना तो आप एक बार इतने कोऑर्डिनेट पर जो है ना आकर चेक कर ले लो, और ऐसे ही खोल कर देखना यार, नहीं मिलेंगे तो भाई वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको भी मिले हैं या नहीं, अभी तो भाई 50-60 इकट्ठा कर कर ही जाएंगे, तो मैं अभी दोबारा से आगे की तरफ खोता जाता हूँ यार। हार्ड वाली गेम थी यार वैसे तो, मैं हार्ड किया था कि इजी वीजी में तो नहीं चल रही यार, वैसे इजी हो या हार्ड उसमें डायमंड तो ढूंढ। चलो भाई केव मिल चुकी है, केव मिल गई और बस अभी केव में कुछ चीज मिल जाए तो फिर भी बहुत मजे आ जाएंगे, और केव में तो भाई ये स्केल्डन ही मिल जाता है बार बार, ये स्केल्डन क्या करे, बहुत दिमाग खराब किया यार बंदे का यार। तो अबे यार नीचे गिर जाता अभी, मैं वहां से नीचे गिरता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता, तो मैं देख एक बार 17 डायमंड जो है ना अपने पास हो चुके 17 भाई, वहीं पर हम खोदेंगे, हमें कोई केव वेव में नहीं जाना, और अब मुझे वो दोबारा से बस जगह मिल जाए तो यही जगह थी नहीं, चलो भाई यही जगह थी, तो अभी मैं यहाँ पर से आगे की तरफ खोदता जाऊंगा, आगे की तरफ आ रहे थे तो आगे की तरफ ही जाएंगे, और भाई यहाँ पर जो है ना एक और बात कोऑर्डिनेट के बारे में भाई कमेंट में थोड़ा बता देना, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बारे में मुझे कम पता है यार, कुछ पता पता नहीं चलता कि कितने कोऑर्डिनेट में है और कितने ब्लॉक्स में आ चुके हैं, और पर दोबारा जब वैसे ही उसमें सेम आएगा ना मतलब दोबारा जब भी डायमंड हमें इकट्ठा करने होंगे तो दोबारा मैं वही कोऑर्डिनेट देख लूंगा ना कितने, जब जैसे ही वो एकदम मतलब सेम होंगे ना तो मैं दोबारा वहीं पर खोदना शुरू कर दूंगा, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था यार ये कोऑर्डिनेट, भाई अभी नीचे गिर जाता तो कोऑर्डिनेट तो देख लिए जाते, ये क्या है चलो गोल्ड मिल गया भाई, गोल्ड मिल गया, ऐसा नहीं कहा कि डायमंड भी मिल रहा है तो गोल्ड नहीं तोड़ेंगे, गोल्ड भी तोड़ देंगे भाई, गोल्ड भी अपने बहुत काम आ सकता है, अब जो चीजें गोल्ड में बन सकती हैं वो डायमंड से नहीं बना पाएगा ना। चलो और गोल्ड मिल चुका है भाई, यहाँ पर रखते हैं गोल्ड भी, इतने
कोऑर्डिनेट पे मिल जाता है। पहले मुझे लगता था कि ये जो है ऐसे मोबाइल वाली जो गेम है ना वो शौक मतलब आसान है खेलनी, मगर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाली गेम ही भाई ऐसा ही है भाई। अब मुझे लगा किसी गड्ढे में गिर गया और अपना काम हो गया भाई। वहां पर वो क्या चीज है और सामने गोल्ड भी खड़ा है भाई, यहाँ पे क्या पड़ा है ये। अबे ओ क्रीपर क्रीपर, ओ भाई ओ तू दूर भाग गया। अरे ओ क्रीपर आ रहा है, क्रीपर फूट जा फूट जा। चलो अब मैं इसका काम तमाम करता हूँ वहां पर पीछे, इसे तो डर नहीं लग रहा था मैं क्रीपर। चलो दोनों का काम जो है ना तमाम कर दिया है, और अपना खाना वाना जो है नीचे रख लेते हैं। तो यहीं पे जो था ना आगे कहीं गोल्ड पड़ा था, वहां पीछे की तरफ से तो नजर आ रहा था, पता नहीं यहाँ पर आने के बाद क्या हो गए, वहीं पर कहीं पर था। तो ये रहा एकदम सामने खड़ा है। ये भी एकदम बढ़िया जगह मिल चुकी है भाई, यहाँ पे तो हमें गोल्ड ही गोल्ड मिले जा रहा है, ये भी काफी सही है। तो चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। और भाई यहाँ पे क्या हुआ अभी, कोई कुछ चीज यहाँ पर से गुजरी है, पता नहीं क्या बला थी यार। एक तो हमें यहाँ गया ना, गेम तो भाई अटक गई थी और क्रीपर ने अचानक से आकर पीछे की तरफ ब्लास्ट कर दिया, और काम तो अभी तमाम अपना हो जाता। भाई ऐसा क्रीपर जो था ना उसने एकदम अपना काम तो तमाम किया ही था। चलो ये एक तो या ये जगह जो है ना बहुत बेकार वाली जगह आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं पानी डालकर दोबारा से पानी को उठा लूंगा क्योंकि अपने पास पानी की भी थोड़ी सी कमी है। अबे यार अपनी टॉर्च को क्या हो चुका है, रोशनी नहीं कर रही यार। तो पता नहीं वहां पे तो इसको क्या हो गया है। तो भाई 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 मैं कोई भी अभी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अपने पास हैं पूरे 17 डायमंड। हाँ कम नहीं है, 17 डायमंड कम नहीं होते भाई। ओ भाई कोई चीज अभी मिल जाती तो बढ़िया था ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ ना दोबारा से यहाँ पर इस तरफ जो है ना खोदना कर देता हूँ शुरू को, क्या पता अपने को कोई चीज मिल जाए। मिल गई तो मजे आ जाएंगे भाई, मतलब दोबारा एक बार 17 फिर 24 में होता है कि यार 25 में जो है ना अपना आर्मर जो है फुली कंप्लीटेड आर्मर बन जाता है, और अभी तो चलो 17 है और मिल जाते तो बढ़िया काम था, वरना नहीं भी मिलेंगे तो अपनी पिकैक्स सॉल्ट वगैरह वगैरह चीजें जो है ना ये तो बना ही लेंगे कुछ। पैसे मेन तो हमें बनानी थी पिकेक्स, और पिकेक्स तो बन जाएगी भाई, 3 में बनती है ना, तो 3 में तो अपने पास 17 है भाई, 3 में बन जाएगी भाई। और मिल चुका, और मिला है, और इस बार लगता है एक ही है, वैसे एक होता तो नहीं है, ज्यादा है यार भाई। 24-25 इकट्ठे करके जाएंगे भाई, जो है ना मेरे लालच का जो लेवल है ना वो बढ़ चुका है अब। अब यार लंबा वीडियो होता है तो होने दो भाई, हमें लंबा वीडियो में से नहीं है, हमें तो मिल रहे हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया डायमंड, तो हम तो इकट्ठा करेंगे ना बढ़िया डायमंड। हमें कोई यार एक हम बढ़िया कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं भाई, कुछ भी कहो अब हमेशा हम तो कभी भी डायमंड चाहिए होंगे तो सीधा इसी कोऑर्डिनेट में आओ, और डायमंड का जो है ना पॉकेट एकदम फुल्ली पॉकेट को फिल कर जाएंगे। वैसे तो अपने कभी नहीं जाएंगे। वैसे कितने हो चुके हैं डायमंड, 23 डायमंड भाई साहब, 24 में तो अपना आर्मर बन जाएगा तो मजे नहीं आ जाएंगे भाई एकदम। वैसे अगर कितने थोड़ा सा सोच लेने तो भाई मुझे लगता है कि
एक तो पता नहीं इतने ज्यादा डायमंड हमें कैसे मिले जा रहे हैं, तो कोई गेम में गलिच हो गया है तो भाई पता नहीं यार, बार बार ऐसा गलिच होते रहे ना तो मजे आ गए जाके भाई। चलो अब दोबारा मिल तो नहीं रहा है मुझे, ये क्या है? अबे पानी छोड़ दिया भाई, अबे यार नहीं उधर नहीं जाना भाई, कहीं डूब कर ना मर जाए। हम तो यहीं से आगे जाएंगे क्योंकि यहीं पर जाते जाते यार गोल्ड भी चलो मिल गया, और गोल्ड मिल गया भाई। एक तो यार अपनी जो आयरन पिकैक्स है ना ये भी टूटने वाली है, और ये टूट के जाएगी तो फिर हम डायमंड आयरन और बाइक चलो गोल्ड तो टूट चुका है, और भी क्या है यार? और नहीं है, पानी बांध करो यार, पानी किसने छोड़ दिया? अब पानी हमें बहकर मतलब जो है ना पीछे की तरफ ले जा रहा है और कह रहा है गोल्ड मत तोड़ो। चल दोबारा पानी, यार दोबारा पानी, चलो पानी बंद। अभी हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, हम इसकी जो है ना दूसरी साइड पर चले जाएंगे। वेब खत्म भी हो जाए यार, इतना भी पानी नहीं हो रखा यार, कहाँ से आ रहा है पानी भाई? पानी पीछे की तरफ से आ रहा है, चलो कहाँ तक ही जाएगा। और ये तो रेड स्टोन है, वैसे अभी हमें रेड स्टोन कितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाद में जब ज़रूरत होगी तो तब ले जाएंगे। वैसे रेड स्टोन जो है ना मिल जाता है नीचे एंड में, बंदा चले जाए ना। मुझे लगा यहाँ पर जो उठ रहे होते हैं ना एक डायमंड पिकैक्स मारने थे, और वही अभी उठा था। कुछ तरंगे सी उठती हैं यार, बहुत ही मज़ेदार सी तरंगे होती हैं यार वो तो। चलो कोई तो मिल ही जाएगा अभी यार, ऐसे ही ब्लॉक टूटते जाएंगे तो फिर तो एकदम मजा आ जाएगा। पर ऐसे ब्लॉक में जो होता है ना नहीं मिलेगा हमें कोई भी डायमंड, तो डायमंड हमें 30 मिल जाएंगे ना तो फिर चले जाएंगे भाई। तो भाई ढूंढने पड़ेंगे, 30 मिल जाएंगे तो सॉल्ट भी बन जाएगी। सॉल्ट शायद दो में बनती है यार। एक तो यार माइनक्राफ्ट खेले हुए इतना ज्यादा टाइम हो चुका है ना कि याद ही नहीं आ रहा। और मुझे अभी भी ये तो याद है कि अपना आर्मर होता है ना वो 24 में बनता है, ये बात तो मुझे अभी भी याद है। क्योंकि मैं पहले आता इसीलिए था कि अपना जो है ना आर्मर बना लेंगे, मगर अब तो मुझे पिकैक्स बनानी है। आर्मर से पहले तो पिकैक्स बनाएंगे, फिर सॉल्ट बनाएंगे, फिर अगर बच जाएंगे तो फिर आर्मर बना लेंगे, कोई बात नहीं यार। अब मिल भी जाओ, अब इसको क्या हो चुका है, अब मिल ही नहीं रहा यार दोबारा। 1-5-7 इकट्ठे मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है, चलो गोल्ड मिल चुका है। और अब लगता है इसी गोल्ड को तोड़ते तोड़ते अपनी पिकैक्स जो है ना छुट्टी हो जाएगी इसकी। तो यार एक तो मैंने इससे दूसरा ब्लॉक भी तोड़ दिया, चलो काफी इकट्ठे हो चुके हैं भाई। गोल्ड भी मुझे लगता है 30-35 तो हो चुके होंगे, क्योंकि गोल्ड तो वहां पे भी मिल रहे थे ना जहाँ वो जो आए मतलब केव थी वो वहां पर। यार वहां पे हम सेव ही नहीं थे, यहाँ पे एक और बात है, हम एकदम सेव हैं, हमें कोई भी चीज मार नहीं सकती, और ऐसे अगर मारेगी तो ब्लॉक के अंदर हम एकदम कैद हो जाएंगे ना, फिर कैसे मार पाएगी। और ये ब्लॉक भी काफी सारे इकट्ठे हो चुके हैं यार, ये ब्लॉक भी कुछ किसी काम तो आ जाएंगे जब अपना घर बनाएंगे ना बढ़िया वाला, तो फिर काम आ जाएंगे ना यार। ऐसा तो कर नहीं सकता बंदा के ब्लॉक फेंक देंगे। और इससे ये थोड़े से उसी टाइप के लगते हैं जो नेदर में मिलते हैं ना, वही क्या कहते हैं उसको, ब्लैक स्टोन जो होता है उसी की तरह है थोड़े से। चलो भाई दोबारा मिल गया, दोबारा मिल चुका है, और हर बार में 5-7 मिले हैं तो इस बार भी ज़्यादा होने चाहिए यार। नहीं है इस बार ज़्यादा नहीं, एक ही मिला है। चलो यार एक ही बहुत है, एक भी कम नहीं है यार, 24 तो हो चुके हैं ना भाई। ढूंढते हैं मिलेंगे यार जरूर मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे, जब तक 30 नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आ चुका है चोखे वाला लालच। लालच हमें लगता है कि हमारा काम कहीं तमाम ना करवा दिया ना यार इसने। यार जहाँ
जिस तरफ भी जा रहा हूँ वो दूसरे वाले ब्लॉक निकल आते हैं, और किसी काम के नहीं है यार ये दूसरे ब्लॉक। और सामने कुछ तो है और यूँ होल्ड भी पड़ा है यार, भाई ये मैं कहाँ पहुँच गया, इतना ज्यादा लावा भी किसी जगह पे हो सकता है। चलो अगर इतना ज्यादा इसमें यहाँ पर लावा है ना, तो लावा के आसपास डायमंड भी बहुत ज्यादा हो। अबे अभी डायमंड तो हो जाते, इसीलिए मैं अपने पास ये पानी वाली बकेट जो है ना लेकर घूम रहा हूँ कि किसी जगह पर अगर अपना कोई, अबे यार अबे जल गया मैं तो जल गया। और डायमंड मुझे दिखा था यार, ये खड़ा है अपना डायमंड तो। अब दूसरे ब्लॉक जो है ना इसी से तोड़ेंगे, दूसरी अपनी पिकैक्स से, इससे अभी कोई और चीज नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये पहले से इसकी जो हेल्थ है ना बहुत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और यहाँ पर इतना ज्यादा लावा बह रहा है और उधर इतना ज्यादा पानी बह रहा है, ये कौन सी जगह आज चित पर आ चुके हैं भाई, ऐसी जगह तो मैंने मांग। अभी यार एक ज़ॉम्बी आ रहा है, ज़ॉम्बी चलो मैं तो अभी यार लावा में ना धक्का दे दिया ना तो फिर कहना। भाई यहाँ पर ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं भाई, सीढ़ियों पर चले जाएं क्या, सीढ़ी पर बाद में जाएंगे पर पहले यहीं पर थोड़ा सा जो है चेकिंग कर लेते हैं कि क्या पता कोई डायमंड से भरी चेस्ट मिल जाए। चेस्ट मिल जाएगी तो मैं सभी चीजें फेंक कर वो चेस्ट उठा लूंगा भाई। तो पहले तो मैं इसके ऊपर ही चलता हूँ यार, ऊपर मुझे लग रहा है कि कोई जो कोई चेस्ट लोग को मिल सकती है, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली जगह जो है ना मैंने पहली बार ही माइनक्राफ्ट में देखी है कि इतना ज्यादा लावा बह रहा है भाई। तो अबे कौन है यार, एक तो इसको कोई और काम नहीं है, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, इसी पानी में हाथ धोकर पीछे पड़ गया होगा। अब इस बार इसको बहुत गंदे वाली पड़ी है और इसका दुकान हो चुका है तमाम। वैसे ही अपने पास क्राफ्टिंग टेबल है, अगर अपनी पिकेक्स जो है ना ये टूट जाएगी तो मतलब ये जो आयरन वाली है तो आयरन भी मैं कलेक्ट करता आ रहा हूँ ना। और मुझे यहाँ पर स्लाइम कूदने की आवाज आई है, कोई स्लाइम मिल जाए तो वह भी बहुत बढ़िया काम है, स्लाइम इकट्ठा कर लेंगे भाई, क्योंकि स्लाइम भी कोई बेकार चीज नहीं होती है भाई। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है, पता नहीं अब हो वो कहां पे सकता है ये मैं मुझे नहीं पता, मगर आवाज तो उसकी आ रही है, एक दो बार तो उसकी आवाज आई है यार इसकी। अबे यार ये बड़ी बेकार चीज है यार ये तो भाई साहब, पता नहीं को बहुत बड़ी वाली केव में आ चुके हैं भाई, ये कौन है वो अपने कर कर डरा रहा है भाई। तो यार डर तो ज्यादा इस चीज से लगता है जो यहाँ पे डरा दिया यार इसने। एक तो भाई ये बात है कि अपनी वीडियो है ना वो भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। अबे यार यार इधर से तो इतने सारे आ रहे हैं, को क्या हो। चलो उसका भी काम इसने यहाँ पे तमाम कर दिया है, मैं इसीलिए तो वहां पर थोड़ा रुक गया था कि वो ब्लास्ट हो और पीछे वाले का भी काम तमाम करते, और इधर इनको कहीं स्पोनर तो नहीं लगा, स्पोनर भी होगा तो वहां पे हम फार्म बना सकते हैं ना। अबे यार ये आ रहा है भाग 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 भाग, यहाँ पे मैं ये तोड़ लेता हूँ, ये अपने किसी काम तो आ ही जाएंगे भाई। एक तो अच्छा हुआ ये जो है ना एक साउंड निकालता है यार जब ये फूटने लगता है, तो वरना भाई पिछली बार तो भाई इसने बहुत ही ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया था। देखेंगे ना अभी यहाँ पे कोई चीज फार्म की मिल जाएगी तो फिर ठीक है। अब यार एक तो भाई गेम भी अपनी रुक गई थी तब, अब ये आ रहा था क्योंकि अपना कोई हाई पीसी तो नहीं है वैसे लोग वाला है, तो यार एक तो यहाँ पे आकर तो कोई चीज ही नहीं काम की मिल रही है। और ये कहीं वार्डन जो यहाँ पे होता है ना वार्डन, वो खतरनाक मॉन्स्टर जो है वार्डन, उसका यार यही नाम है ना वार्डन, ये वही गुफा तो नहीं है वार्डन वाली। और शॉर्ट निकाल लेता हूँ, एक मारूंगा दूर से दूसरी भी मारूंगा तीसरी भी मारूंगा चौथी पर, इसको काम तमाम हो जाता है। और एक सामने है, दो है, भाग 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 रे भाग, और लगता है आप ये भागने नहीं देगा, अभी इससे सामना करना पड़ेगा।
काम तमाम। और वहां पर एक और भी बैठी हुई है यार, एक तो यार एक केव के अंदर ये बहुत ज्यादा मसला बन जाता है अपने को, और अपने पास कोई खतरनाक कौन है। चलो ये बात है कि हर जो भी मॉन्स्टर आता है ना, वो अपनी एक अजीब सी आवाज निकाल कर ही आता है, तो हमें पता चल जाता है पहले कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। तो दोबारा देखा ये आवाज निकालते निकालते, अरे भाई कौन है। चलो मुझे लगा पीछे से कोई है तो जो मार रहा था, मगर इसी ने दो चार अपने को चपाटे लगा। अबे यार ये चपाटे नहीं लगाता, ये तो काम तमाम कर देता है। वो क्या है, चलो छोड़ दो यार, जो भी चीजें बेकार बेकार थी यहाँ पर, बहुत चीजें हो रखी। और कुछ तो पड़ा था वैसे, बाकी चीजें तो हमने काफी इकट्ठी कर ली, मगर आयरन इतना ज्यादा इकट्ठा नहीं किया ना, जो आम सी चीज है, मतलब ज्यादा कोई पर काम बहुत आता है, वैसे चीज नॉर्मली मिल जाती है। वैसे दो चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा। अबे बस कौन है, कौन है वो ऊपर क्या बैठा हुआ था यार। चलो यार एक बार ये पूछ जाता हूँ, अब दोबारा मुझे नहीं लगता कि ये जो कोई भी बोल। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ना, ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ऊपर निकल जाना चाहिए। चौखे वाला लालच जो है ना, हमें कहीं ले ना डूबे। तो ऐसे ऐसे चलेंगे आगे, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना, अभी इतनी खतरनाक वाली गुफा में पहुंचे हैं। तो वो क्या लगता है, कोई गले चोर रखा है भाई, ये जो हाई वाले पीसे होते हैं ना, इनमें होता रहता है यार। अबे तो ये गोल्ड और रखा, हाँ गोल्ड ही है। पर अब दो ज़ोंबी आ रहे हैं, तो पहले मैं ज़ोंबियों का खात्मा कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड भी तोड़ें। मिलो मिलो भाई, खतरनाक वाली लड़ाई ऐसे ही हम लड़ते हैं। लो भाई तोड़ लिया इसको, तो एक ही था यार, ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं थे, एक था क्या, ज्यादा ना था, ये तो कोई बात ना हो ना। लावा के ऊपर से जंप लगा कर जाएंगे भैया। ए कोई, चलो आ चुका है जो ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, आ चुकी है। मैं इसको अभी और परेशान और ज्यादा, काम तमाम और गोल्ड लब मिल गया। और कोई आ रहा है यार, अभी इधर की तरफ ही है। अबे यार हेल्थ को, हेल्थ की तरफ जान ही नहीं दे। अबे यार टूट रहा है भाई, बच गई हो वो क्या और है यार, ग्लिच, चलो ग्लिच है यार। मैं बार बार देख रहा था, मैं उसी चीज की तरफ भाग रहा था कि ये क्या चीज है भाई, इतनी अजीब सी चीज जो दिखेगी तो बंदा देखेगा ही ना। और इधर की तरफ देख, बहुत ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और यार मकड़ी भी सामने बैठी हुई है, और इसने अपना बहुत ज्यादा दिमाग खराब करना है। एक तो यार कुछ ज्यादा ही डैमेज दे देती है, अभी यार ये तो बहुत ज्यादा डैमेज देगा भाई। तीन तीन इकट्ठी आ रहे, लगता है स्पोनर है, स्पोनर हुआ ना भाई, वो तो मार डालेंगे फिर भाई। मैं भागता बहुत तेज हूँ भाई, भागूंगा अभी तेज। क्या हुआ, चलो पीछे है भाई, पीछे आ रही है आ रही है, भागना पड़ेगा कहीं दूर। अभी हम इसको दोबारा कभी बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे यार, एक्सप्लेन करने के चक्कर में कहीं है ना, वो जो अपने पास 24 डायमंड है वो कहाँ गया। बंदा मकड़ी थी, बंदा नहीं था। अब हम जाएंगे यहां से ऊपर एकदम से, ये जो है ना वही वाली जगह पे, इस वाली पिकेक्स से नहीं तोड़ना चाहिए था, ये तो इसी से ही तोड़ेंगे ना, ये तो दूसरी से टूट ही नहीं सकता है भाई। जब हम आ रहे थे ना, तो तभी मैंने तो कहा था भाई इकट्ठा कर आप चीजें, काफी इकट्ठा चीजें करेंगे, उसके बाद ही चलेंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हमें टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो अभी हम जाएंगे इसके बाहर। और इतने डायमंड जो है ना काफी हैं, क्योंकि ज्यादा डायमंड इकट्ठे अभी नहीं कर सकते, अभी चोखा लालच को भी बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है। थोड़ा सा इधर की तरफ जाकर देख लेता हूँ, क्या पता कोई डायमंड दिख जाए तो मजे आ जाए। नहीं भाई डायमंड नहीं दिख रहा, बहुत खतरनाक चीजें दिख रही है। तो एक बार ज़ॉम्बी है, वो आ जाओ भाई ज़ॉम्बी, तू आ जा। मुझे लगा था उसको धक्का दूंगा भाई लावा में, मजे आएंगे, पर वो पहले ही जो है ना, एक जहां पर भी अभी निकलूंगा ना, वहां पर एक मार्क लगा देंगे।
मतलब कोई ब्लॉक होगा लगा देंगे ताकि पता चल जाए ना तो मैं यहाँ से निकला था, और दोबारा अगर मैं माइनिंग पर आना होगा तो इसी वाली जगह पर आएंगे। कौन है और कहाँ है? अब है ये बड़ी खतरनाक सी आवाजें निकलती हैं भाई, बंदे को डरा देते हैं यार ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो चलो अपने जो है ना नॉर्मल वाले ब्लॉक के पास तो हम पहुंच चुके हैं, अब तू नीचे से खड़ो कर जितने मर्जी है बाण निकाले मगर कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तो उसे हमें ही होगा, उसको तो कुछ फायदा नहीं हो सकता। यार ये क्या कर रहा है तू? यार ये कहीं ऊपर की तरफ से जो ग्रेवल ना गिर जाए, वो ग्रेवल गिर गया तो अपना सांस ही एकदम रुक जाती है भाई और घुटकर बंदा मर जाता है, क्या करे। अबे भाई दोबारा ऊपर की तरफ आ चुकी है कोई केव, तो ये तो नॉर्मल वाली है, इसको तो हम कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे ऊपर क्योंकि अभी चौके वाला लालच जो है ना वो बंद हो चुका है। जब अपनी क्रीपर वगैरह वगैरह चीजों ने कुटाई की है ना तो चौके वाला लालच खत्म हो चुका है और अब ऊपर चले जाएंगे भाई। दोबारा तो कोई नाम नहीं लेगा भाई दराने का, वैसे अभी बनाना तो है कवच, जब मतलब वो कवच होता है ना अरमार, वो तो मैं बनाना ही है। जब वो बनाना है तो फिर आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इतने डायमंड से तो कम ही बनेगा, फिर कभी आएंगे, अभी तो इतने जल्दी हम नहीं आने वाले क्योंकि पहले ही बहुत दिमाग खराब किया है क्रीपर ने। पूरी केव में बंदा ऐसे भागते भागते फिरता रहता है और कोई जगह नहीं मिलती छुपने की, बंदा छुपे कौन, और लगता है मैं ऊपर तो पहुंच ही चुका हूँ भाई। अभी सीधा घर भाग जाएंगे और कोई किसी जगह पर और नहीं जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देंगे ताकि दोबारा वहां से यहीं पर घुसना होगा ना तो यहीं पर घुस सकेंगे। तो अभी मैं फटाफट से एक बार ऊपर पहुंचता हूँ भाई साहब। मैं बता नहीं सकता अपने ऊपर जो था ना यहाँ पर सैंड गिर गया था भाई, अपना सांस बंद हो गई थी। और अभी चलो दोबारा मैं बच तो गया, किसी तरीके से बच तो गया था। चलो अब जो भी हो बच्चर जो है ना ऊपर अपने घर तो आ चुके हैं, मतलब घर नहीं आए हैं बाहर तो आ चुके हैं अपने प्यारे वाले वर्ल्ड में। और वो तो भाई केव वाली जगह तो एक तो यहाँ वहाँ पर कुछ नजर नहीं आता, इतनी खतरनाक सी जगह होती है भाई। यहाँ पर सैंड की तरफ कहीं निकले हैं, अब पता नहीं यहाँ पर तो मुझे लग रहा है यहाँ घर के ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा देता हूँ, ये देखो ये हो गया एक प्यारे से बंदे का ऊपर सर भी बना देते हैं। यार सर किस ब्लॉक से बनाए? यार डार्ट से बना देते हैं, यार अजीब सा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। चलो ये यहाँ पे दोबारा अगर जाना होगा ना तो यहीं पर जाएंगे यहीं से। और अभी देखो ये इस तरफ इशारा कर रहा है तो हम भाग कर सीधा वहीं पर चलेंगे जहाँ पे होगा अपना खंडर। ओ गधा मिल गया भाई, बैठ जाऊँ ऊपर, और सैंडल नहीं है ना अभी तो मैं, वरना इसको भगा कर अपने घर ही ले चलता और जल्दी भी पहुंच जाते। अब लगता है यार बहुत ज़्यादा दूर निकल आए हैं अपने घर से। नहीं भाई ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये जो है ना अपने घर के पास ही पड़े थे, अगर किसी और जगह पर भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने घर के पास ही हो गए, ओनली अपने घर के पास नहीं है और भी काफ़ी जगह हो। ज़्यादा दूर नहीं है भाई घर, वो देखो सामने ही खड़ा है। चलो वो जगह कहाँ पे है, चलो इधर ही किधर है तो दोबारा चले जाएंगे वहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहुंचते हैं फटाक से अपने वाले घर पे जो कि थोड़ा सा खंडर टाइप का है पर रह तो सकते हैं यहाँ पे अभी, कोई और भी बना तो सकते हैं बाद में कभी बनाएंगे ना, अभी थोड़ा अमीर नहीं है ना, थोड़ा गलत वाले अमीर बनना पड़ेगा उसके बाद ही। अभी लग रहा है आज जो है ना इतना ही काफी है, तो बाकी जो भी हम इस सब चीजें बनाएंगे वो अगली वाली वीडियो में ही बनाएंगे। तो आज वीडियो एक तो हो भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज किस वाली वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, वैसे तो नए ही होंगे ना सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि 500 सब्सक्राइबर होने वाला है और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर तो करवा दो, 300 तो हो चुका है ना।
और भी वहां ही साबित करवा दो तो आप मजे आ जाएंगे। और अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी भाई, 500 बार तो नहीं बार, अभी आ जाएगी, जैसे ही टाइम वैसे ही बात आ जाएगी, ये अपलोड होगी। और उसके बाद जो कोई ऐसा हो सकता है इस अपलोड होने के फौरी बाद भी आ जाए भाई। तो आज के बारे वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब कर देना।